भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राजतिलक शुरू हो गया है। एक महिला के सशक्त नेतृत्व के साथ अब राष्ट्र आगे बढ़ेगा। आईएमपी न्यूज पर आपको दिखाते हैं कि देश की 15वीं राष्ट्रपति के सफरनामे की ये अनसुनी कहानी। चेहरे पर मुस्कान और जीवन में सेवा भाव से सम्मान हासिल करना ही है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहचान। जी हाँ, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बन गई। उन्होंने श्रीमती प्रतिभा पाटिल के बाद देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने और आदिवासी समुदाय से चुनी जाने वाली प्रथम महिला राष्ट्रपति होने का गौरव भी हासिल किया है। श्रीमती मुर्मू को केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने राष्ट्रपति चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्हें शिवसेना, बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस ने भी अपना समर्थन प्रदान किया, जबकि उनके प्रतिद्वंदी पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व भाजपा नेता यशवंत सिन्हा को सपा, तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिला हुआ था। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान की तारीख निकट आते आते कई गैर राजक दलों ने श्रीमती मुर्मू का समर्थन करने की घोषणा कर दी और श्रीमती मुर्मू का राष्ट्रपति बनना मतदान के पहले ही सुनिश्चित माना जाने लगा था। अब श्रीमती 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी और भारत का गौरवशाली चेहरा बनेंगी। 25 जुलाई को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने जा रही श्रीमती मुर्मू पूर्व में झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है। इस पद पर रहते हुए उन्होंने अपने कार्यकाल में खुद को विवादों से दूर रखा, परंतु राज्यपाल के रूप में किए गए साहसिक फैसले चर्चा का विषय बन गए। अतीत में उड़ीसा विधानसभा का चुनाव जीतने पर उन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने का मौका भी मिल चुका है। उनके अंदर मौजूद संगठन क्षमता और नेतृत्व कौशल ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय आदिवासी मोर्चा का उपाध्यक्ष भी मनोनीत किया गया था। निश्चित रूप से श्रीमती मुर्मू के रूप में भाजपा ने राष्ट्रपति पद के लिए सर्वथा योग्य उम्मीदवार का चयन किया था, इसलिए चुनाव के दौरान उनकी यह आलोचना कतई उचित नहीं थी कि वे कमजोर राष्ट्रपति साबित होंगी। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को कायम रखने में वे सर्वथा समर्थ सिद्ध होंगी। भाजपा की राजक उम्मीदवार के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की जीत ने भविष्य के राजनीति के लिए भाजपा की संभावनाएं और बलवती बना दी है। ऐसे में इस जीत ने आदिवासी जनजाति मतदाताओं के मन में इस विश्वास को भी जन्म दे दिया है कि भाजपा के पास सत्ता की बागडोर रहने पर ही गरीब आदिवासी तबके को सामाजिक उपेक्षा के दंश से मुक्ति मिल सकती है। अब देखना होगा कि ये नई नारी शक्ति देश को नया सामर्थ्य कैसे प्रदान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़।